शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। बाणासुर, द्वापर काल में तुमने यही भूल की थी। इसी प्रकार बलपूर्वक मैंने गोपियों से विवाह करने का प्रयास किया था, जिसके कारण तुम्हें पाताल में रहने का श्राप मिला था। पर इस बार तुम्हारा अंत निश्चित है, क्योंकि स्त्री शक्ति से बड़ी इस संसार में और कोई शक्ति नहीं। बाणासुर, मुक्त करो, इस बंधन से छोड़ो। फिर उतावलापन। तुम इस बंधन से अवश्य मुक्त होंगी प्रिय, किंतु केवल मेरे साथ गठबंधन करने हेतु। देखो, हमारे विवाह के सारे प्रबंध हो गए, अब समय आ गया है हमारे विवाह का। अब समय आ गया है बाणासुर के त्रिलोकाधिपति बनने का। कर्मनाशा, पूतना के मार्ग में आने की भूल मत करो। प्रवाहित करने दो मुझे तुलसी के शरीर को तुम्हारे जल में। नहीं पूतना, तुलसी ने मेरे सारे पाप लिए हैं और मेरा धर्म है तुलसी की रक्षा करना, और मैं अपने धर्म से पीछे नहीं हटूंगी। तो तुलसी के शरीर के साथ साथ तुम्हारा भी अंत होगा कर्मनाशा। इस संसार के मानचित्र से सदा सदा के लिए विलुप्त कर दूंगी मैं तुम्हें। अधर्म में इतनी शक्ति नहीं होती पूतना, चाहे तो प्रयास करके देख लो। पूतना, काल को पार करके आई हो तुम, अब भी समय है, चली जाओ इस संसार से, नहीं तो सदा सदा के लिए काल कल्पित हो जाओगी तुम। तुमने बहुतों के कर्मों का नाश किया है कर्मनाशा, किंतु आज तुम्हारा नाश होगा। तुम चिंता क्यों करती हो? देखो, लड्डू गोपाल ने मुझसे कहा था कि मुझे धर्म पूर्वक विवाह करना है, तो अब मैं तुमसे धर्म पूर्वक ही विवाह करूंगा। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम कुंडली काक्ष, मंगलाय तनोहरि। तुम धर्म पूर्वक नहीं अपितु बल पूर्वक ही विवाह कर रहे हो। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। देवी भद्रा, इतना क्रोध, इसलिए अब विलंब मत कीजिए। देवी, हमें साथ फेरे भी तो लेने हैं। हमारा मन बहुत भयभीत हो रहा है, ना जाने तुलसी कहाँ चली गई। सुनिए, आपने हमारी तुलसी को देखा है क्या कहीं? आप लोग ऐसे मुंह तो मत फेरिए। तो क्या करें? पता नहीं तुलसी का पाप किसको किसको लग जाए। ऐसा मत कहिए, मेरी तुलसी ने सबका हित चाहा है, सबकी भलाई की है, इसलिए अगर आपको पता है कि तुलसी कहाँ है तो हमें कृपया करके बता दीजिए। हमें क्या पता कहाँ गई तुलसी, अगर पता होता तो क्या हम उसे छोड़ देते। चलो यहाँ से। अरे रामभुवन, रामभुवन, तुम्हारा बेटा नंदू, उसकी तबीयत कैसी? अभी कुछ सुधार आया? अब क्या कहूँ सुमित्रा बहन, तुलसी बिटिया मिल ही नहीं रही, अब तो मुझे भी कोई आस नहीं दिख रही है मेरे नंदू की ठीक होने की। ऐसा मत कहो रामभुवन, तुम्हारा बेटा जरूर ठीक होगा।
उसे जो कुछ भी हुआ उसमें तुलसी का कोई दोष नहीं है। दीदी, यदि इसमें तुलसी का दोष नहीं है तो वो गांव छोड़कर चली क्यों गई? वैसे दीदी, आपको मेरी बात पे विश्वास तो होगा नहीं, इसलिए मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी। सुनो तो गोपाला, गोपाला, तुलसी तुम कहाँ चली गई हो? कहाँ हो? यहाँ देखो सब कैसी कैसी बातें बना रहे। काकी, काकी, मोरपंखी बालक, आप तुलसी को लेकर इतनी दुखी क्यों है? मोरपंखी बालक, अब दुखी ना हूं तो और क्या करूं? कैसे सहूं तुलसी के बारे में लोगों के ये अपशब्द, ये विषमान? काकी, यही संसार की रीत है। जब कोई धर्म के मार्ग पर चलता है तो उसे अनेक संकटों का सामना करना पड़ता है। पर स्मरण रखेगा काकी, धर्म परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। मुझे अपनी चिंता नहीं है बालक, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि तुलसी के बारे में जो लोग बात कर रहे हैं, कहीं वो सच हो गई तो? कहीं सचमुच तुलसी को लगे पाप के कारण सब लोगों पर संकट आ रहा हो तो? काकी, किसी को तुलसी पर विश्वास हो ना हो, पर आपको अपनी बेटी पर अवश्य विश्वास होना चाहिए, क्योंकि आप उनकी माँ है। आपने तुलसी को जन्म दिया है, उन्हें संस्कार दिए हैं, और आप ही के विश्वास से इस धर्म युद्ध में तुलसी की जीत हो सकती है। तुम सत्य कह रहे हो बालक, पर हमें एक चीज समझ में नहीं आ रही कि इस वक्त हमारी तुलसी कहाँ होगी, किस परिस्थिति में होगी। बस ये समझ लीजिए काकी कि तुलसी जहाँ भी होगी धर्म का ही कार्य कर रही हूँ। इसलिए आप तुलसी की चिंता मत कीजिए, इसलिए आप तुलसी की कमजोरी नहीं अपितु उसकी शक्ति बनकर उसके साथ खड़ी रहिए। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कर्म प्रदान विश्व रचिराखा, जो जस कर है तो तस फल चाखा। आज तुमने केवल मेरा नहीं अपितु समूचे नारी शक्ति का अपमान किया है, और तुम ये भूल गए कि एक नारी केवल प्रेम और ममता की मूर्त नहीं होती, अपितु समय आने पर रणचंडी का भी रूप होती है। तो अभी देवी भद्रा रणचंडी का रूप लेंगी? नहीं बाणासुर, पर मैंने, गोपियों ने भगवान कृष्ण को पाने के लिए उस देवी की पूजा की जो हमारी अधिष्ठात्री अमोघ फलदायिनी है, जो महादेवी कात्यायनी है। हाँ, महादेवी कात्यायनी सभी गोपियों की कुलदेवी ना। हाँ, बुलाओ बुलाओ, अपनी कुलदेवी को बुलाओ। कुलदेवी बुलाओ, क्या है ना, कोई तो चाहिए हमारे विवाह के पश्चात हमें आशीर्वाद देने के लिए। बुलाओ बुलाओ बुलाओ, देवी कात्यायनी। बाणासुर, जब जब इस संसार में तुम जैसे पापी महिषासुर का रूप धारण कर आते हैं ना, मुझ जैसी स्त्री को देवी कात्यायनी का रूप धारण करना पड़ता है और तुम्हारा वध करना पड़ता है। इसलिए अब विवाह नहीं बल्कि तुम्हारा अंत होगा। तुम अपने होने वाले पति से युद्ध करोगी? उचित है, उचित है। एक स्त्री को अपनी शक्ति का आभास होना बहुत आवश्यक है। उसे ये ज्ञात होना चाहिए कि उसके पास किसी भी देवी का वरदान क्यों ना हो, उसमें कितनी भी शक्तियां क्यों ना हो, किंतु रहना तो उसे पुरुष के अधीन ही है। इसलिए अब मैं तुम्हें इस युद्ध में पराजित करने के पश्चात ही तुमसे विवाह करूंगा।
भी तुम्हारा अंत। दुनिया की नजरों से परे तुलसी के बनने सारथी आ रहे हैं तुलसी धाम के लड्डू गोपाल, सिर्फ शिमालू टीवी पर।